सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और हमारे खास शो खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव की रणनीति तैयार हो चुकी है। सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से चुनावी मैदान में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। दरअसल यूपी में निकाय चुनाव दो चरणों में होने हैं और दूसरे चरण का नामांकन लगातार जारी है, जिसको लेकर भाजपा के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर आज एक अहम बैठक भी होनी है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी, जिसमें दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने हिसाब से समीकरणों को तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों ने 16,041 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 31,000 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि निकाय चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच मानी जा रही है। इस बीच कई बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं, जहां संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बगावती तेवर दिखाए हैं और शफीकुर रहमान बर्क ने सपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सपा ने रुखसान इकबाल को टिकट दिया है, लेकिन बर्क ने यासीन सैफी की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार फरहान सैफी का समर्थन किया है। तो निकाय चुनाव की नजदीकी जो तारीखें हैं वो काफी नजदीक है, तो ऐसे में अब बगावती सुर भी तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों के देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ संबल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपने जो तेवर है वो दिखाए हैं, बगावती तेवर वो दिखाते हुए नजर आए हैं। संबल का जहाँ तक ताल्लुक है, असंबल का फैसला होता है। हम चाहते हैं कि जो पैसा गवर्नमेंट से आता है वो पैसा आवाम के काम के लिए, सड़कों पर, नाली पर और जितने भी जरूरी काम है, बिजली पर, पानी पर तो खर्च होता नहीं, बल्कि लोग खा जाते हैं। हमने ये उम्मीद करते हुए कि यासीन सैफी बहरहाल ईमानदारी से काम करेंगे, और इसी बुनियाद पर हमने उनको टिकट डिक्लेयर किया है। और ये नहीं देखा हमने कौन मालदार है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, बल्कि हम चाहते हैं कि जीत सच्चाई की हो, ईमानदारी की हो। ईमानदारी और सच्चाई की जीत के लिए हमने एक अवामी आदमी को पेश किया। तो शफीकुर रहमान बर्क का आपने बयान सुना, क्योंकि उन पर अब यह आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने बगावती तेवर दिखाते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया है। तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जनता के हित में काम करेगा, जो जनता का विकास करेगा, मेरा समर्थन उसी के साथ है। तो सपा से क्या शफीकुर रहमान खफा है, अब ये भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि चुनाव भले ही छोटा है लेकिन जो दाव है वो बेहद ही बड़े बड़े खेले जा रहे हैं। तो वही इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पर भाजपा नेता मौजूद है। जी हाँ, तो भाजपा से केसी जैन, सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंद्र प्रताप सिंह, तो वहीं सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। रविंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि संभल में जहां एक तरफ सपा ने रुखसाना इकबाल को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं निर्दलीय फरहान सैफी का समर्थन जो है वो डॉक्टर शफीकुर रहमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करते हुए नहीं कह सकती हैं आप, परिस्थिति होती है कि जो रविंद्र जी आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन तो वही हमारे साथ केसी जैन भी जुड़े हैं। केसी जैन, लगातार सपा की तरफ से ये दावा किया जाता है कि वो इस चुनाव में जीत दर्ज करेंगे, लेकिन अब उन्हीं की पार्टियों में जो है जो दो फड़ होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और बगावती तेवर भी काफी देखने को मिल रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, केवल संभल ही नहीं, इसके पहले समाजवादी पार्टी और इनकी जो सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, तो इनके बीच में भी बगावती सुर दिखाई दिए। आप देखिए कि बागपत, बदायूं, मेरठ सब जगह से समाजवादी पार्टी का अलग प्रत्याशी रहा, और जो आरएलडी का प्रत्याशी वो अलग से रहा, और उसके बाद में ये भी चीजें सामने आई कि नहीं, जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना अपना दावा भी किया,
कि अजकल प्रत्याशी मैं हूँ और हम नामांकन भी वापस नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो केवल सफीकुर रहमान भट्ट तक की बात नहीं है, सफीकुर रहमान भट्ट तो चलो निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने अपना अलग प्रत्याशी खड़ा किया है। ठीक है, लेकिन जो पार्टी का गठबंधन है इनका, वो अपने अपने सिंबल के साथ पार्टी को लेकर के खड़ा कर रहे हैं प्रत्याशी। तो पूरी की पूरी पार्टी में बगावत के सुर साफ दिखाई दे रहे हैं और इसका सबसे बड़ा अंदर या तो नेतृत्व का अभाव है या पार्टी के अंदर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है उनको जो है कहीं पर भी पार्टी पे विश्वास नहीं रह गया, तो बगावत के सुर भी दिखाई दे रहे हैं, विश्वास भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात मेन चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले चुनाव में जिस प्रकार से बड़ी जीत हासिल की और जीत करके नगर निकायों पे उसको जनता ने आशीर्वाद दिया, आप देखिए 16 में से 14 मेयर के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, अब एक सीट बढ़ करके 17 हो गई है और 17 की 17 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। साथ ही साथ जो नगर निकाय के वो चाहे सभासद के प्रत्याशी हो या फिर चेयरमैन के प्रत्याशी हो, ये सारे की सारे आप देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और फिर रिजल्ट आएगा तब लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तव में जिन लोगों ने काम किया है, जिस पार्टी ने काम किया है, उसको एक बार जनता ने फिर से सराहा है। ठीक है, वापस आपके पास आऊंगी कैसे जानजी, लेकिन मेरा सवाल अब सीधा रविंद्र जी से है। रविंद्र जी, जिस तरीके से एक निर्दलीय उम्मीदवार को डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टी के आला कमान पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसा कि केसी जैन जी ने कहा है। अपने की तरफ कुछ नहीं आता है तो उसकी आवश्यकता पड़ती तो अपने लोगों को भी बदनाम करती है, इनकी बातों का तो कोई महत्व नहीं। दूसरी बात है, बगावत की बात कर रही हैं आप, बगावत तो लखनऊ शहर में कर दिया इनके पार्षद ने, जी ने इनके प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया था अनीता धनकर को, अनीता धनकर जी ने वो टिकट वापस कर दिया और निर्दलीय नामांकन कर दिया। फिर इनके लिए रामपुर में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल में युद्ध छिड़ गया। तो क्या है, इसको दूसरे का दोष देखना आता है और नहीं अपना दोष देखना नहीं आता है। इसीलिए अगर आप 2017 के बाद देखेंगी तो हर चुनाव में हम उनको लगातार हराते चले आ रहे हैं। 2017 में निकाय चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो हमें केवल 47 सीट मिली थी और इनको 312 सीटें मिली थी। लेकिन जब निकाय चुनाव हुआ मेयर में तो हम कभी एस्पिरेंट नहीं रहे, लेकिन नगर पालिका में कड़ी टक्कर किया 22% पर भी। बिल्कुल। और नगर अध्यक्ष के नगर पंचायत अध्यक्ष में उनका 100 था तो हमारा 83 था, तो उसी में टक्कर दिया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी हरा हम देते हैं। 2019 में इनकी 10 सीटें कम कर देते हैं लोकसभा चुनाव में, और 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में इनकी 57 सीटें कम कर देते हैं। ठीक है रविंद्र जी, लेकिन मैं जिस तरीके से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या इससे आपका वोट बैंक नहीं बटेगा? सवाल ही नहीं है, अभी उन्होंने अपनी बात कही है, वो हमारे प्रत्याशी के साथ ही खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जनता के विकास के बारे में बात करेगा मैं उसी के साथ खड़ा हूं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं फरहान सैफी के समर्थन में हूं। तो अभी आप किस बयान की बात कर रहे हैं, क्या वो अपना बयान पलट सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये उनके बयान नहीं पलटेंगे, जो हमारी अधिकृत प्रत्याशी उसका समर्थन करेंगे, उनकी नाराजगी है, नाराजगी मैं आप दूसरे का छोड़ दिए, व्यक्तिगत रूप से हम भी चाहते थे कि कहाँ से किसको टिकट मिले, किसको टिकट मिले, किसको टिकट मिले, वो उसमें से 75% लोगों को नहीं मिला, इसका मतलब थोड़ी कि मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन रविंद्र प्रताप जी, अभी आपने एक नाराजगी का जिक्र किया, किस बात को लेकर आखिर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क नाराज चल रहे हैं? अब अपने 2-3 उम्मीदवार चाहते थे तो सबको दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि अब आप समझिए ना 80 MP की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो हर व्यक्ति की अपने एस्पिरेंट्स होते हैं, नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और अगर
अगर अगर अगर विद्रोह देखा जाए तो विद्रोह तो सबसे बड़ा बीजेपी में हुआ, जो लखनऊ में हुआ, दिलीप श्रीवास्तव तीन बार के पार्षद, और अभी अभी दो तीन साल पहले उनको उनको उठा के जेल में भेज दिया गया, आपकी उन्होंने बगावत किया, मेयर के चुनाव के एस्पिरेंट थे, फिर अभी अनिता धनखड़ जी का बताई दिया, तो मुझे लगता है इसको भी न्यूज बनाना चाहिए। ठीक है। तो हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी जी भी आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़े हैं। सैयद जी, जिस तरीके से भाजपा और कहीं ना कहीं सपा में जो बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, क्या उसका फायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को मिलेगा? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं ऐसा ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है वो असंतुष्ट होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और ये हर बार देखा जाता है। जाहिर सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, दोनों अपने सदस्यों को या अपने उम्मीदवारों को मुतमिन करने में, सेटिस्फाई करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिससे जनता के बीच संदेह जाता है और जनता को लगता है कि दोनों पार्टियों के अंदर जो है वो डिसिप्लिन नाम की बहुत कमी है, और जो मेन कमांड है, जो मुख्य लीडरशिप है, वो अपना विश्वास जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों में खो रहा है। तो जब प्रतिनिधियों में आप समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, निकाय चुनाव में आप देखिए दोनों पार्टियां ज्यादातर अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं रही है, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सभासद है पिछले कई सालों से लगातार, वहां की वार्डों की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। ठीक है, 30-35 साल लगातार बीजेपी के सभासद रहे, लेकिन आज भी वहाँ नालियां खराब है, सड़कें नहीं बनी है, सीवर व्यवस्था नहीं है, पानी साफ नहीं आ रहा है, सरकार जो नगर निगम के अंदर स्कूल है उनकी हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है, सब जगह आप खुद प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, किसी को छुपाया नहीं जा सकता, आप खुद कैमरा लेके जाइए और नगर निगम के स्कूलों का मुआयना करके आइए, नगर निगम के अंदर अस्पताल उनका मुआयना करके आइए, सड़कों को देखिए, खरंजों को देखिए, हालत बुरी और पैसा बहुत आता है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, जनता को इस्तेमाल नहीं हो रहा, जनता को नहीं मिल रहा, इसके बारे में जनता हमेशा सवाल करती है जी। और साफ तौर से जो भ्रष्टाचार नगर निगम में बहुत व्याप्त है, बीजेपी के दौरान भी रहा और समाजवादी पार्टी के दौरान भी रहा, इसे जनता को अपने पैसे का लाभ नहीं मिल पाया है, और ऐसी स्थिति में जनता जो है अपना मन बदलने के बारे में सोच रही है, वो सोच रही किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी को वोट डाला जाए जो अपना वादा पूरा करने में हमेशा उसका एक नाम रहा है, लोगों ने ट्रस्ट किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में और नगर निगम में, दिल्ली में जो भी वादे किए हैं ज्यादातर वादे पूरे किए हैं, और जनता को विश्वास है कि जो लोग दिल्ली में, पंजाब में, नगर निगम में वादे पूरे कर रहे हैं, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, गुजरात में भी हमारी सीटें आई थी वहां पे, तो वो लोग जो धीरे आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान बढ़ रहा है और बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी से लोग, यानी कि आपको लगता है कि 2023 के ये जो निकाय चुनाव है इसमें भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा? लेकिन अब मैं सीधे चलती हूँ रविंद्र प्रताप जी के पास। रविंद्र जी, कहीं ना कहीं ये भी आपकी पार्टी जानती है कि संभल में शफीकुर रहमान वर्ग की पकड़ कितनी मजबूत है, और आपने कहा कि बेशक ही कुछ समय बाद लेकिन शफीकुर रहमान वर्ग हमारे प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है, अगर वो चुनाव के अंत दिन तक भी निर्दलीय का समर्थन करते हैं, तो इसका नुकसान सपा को कितना होगा, क्योंकि वो एक मुस्लिम बेल्ट इलाका माना जाता है? अगर आपकी बात को ही एक हाइपोथेसिस करना है जी, तो एक सीट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या बनाना चाहिए था, कम से कम 10 पार्षद ऐसे हैं जो लखनऊ शहर में विद्रोह कर दिया है, जिसमें सुरेश अवस्थी जी हैं, दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, कुमकुन राजपूत जी हैं, अनिता मौर्य जी हैं, ठीक है, रूपाली गुप्ता जी हैं, खुशबू राखी मिश्रा जी हैं, अनुराग पांडे जी हैं, इन सबको बीजेपी ने टिकट काट दिया है और सब निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो एक मेयर के सीट पे 10 बीजेपी के लगभग पार्षद जो है, ठीक है, टिकट काट दिएगा और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बड़ी न्यूज होनी चाहिए। संभल तो एक बहुत छोटी सी जगह है, लखनऊ के एक वार्ड के बराबर भी नहीं है। ठीक है, और ये निश्चित है कि शफीकुर रहमान वर्ग साहब हर हालत में अपने अधिकृत प्रत्याशी को समर्थन देंगे, और अगर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर वो समर्थन नहीं देते हैं, तब आपकी पार्टी क्या रुख अख्तियार करेगी? एक सीट के लिए हम बहुत कड़ा निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं,
सर, लेकिन रविंद्र जी अगर इस चुनाव को देखें तो विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, जहां हर एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक सीट पे आप ऐसे समझ लीजिए कि 10-10 एस्पिरेंट रहते हैं। ठीक है, क्या 10 एस्पिरेंट को नहीं दिया जा सकता है ना? बिना देख को जाएगा तो नाराज ना होंगे। ठीक है, केसी जैन जी, जिस तरीके से अभी रविंद्र प्रताप जी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शफीकुर रहमान बर्क का समर्थन जो है वो प्राप्त हो जाएगा उनके प्रत्याशी को, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका फायदा आपकी पार्टी कितना उठा पाएगी, कितनी कोशिश करेगी कि वो इस मौके का फायदा उठा ले? देखिए मुस्कान जी, अभी जो चीज हमारे सैयद तकी साहब कह रहे थे, देखिए जो पार्टी काम करती है, मेहनत करती है, जनता उसको सराहती है, बिल्कुल, और बिल्कुल वो सही बात कह रहे थे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है और नगर निकाय में पिछले चुनाव में जिस प्रकार से जीत हासिल की, तो हम जनता के बीच में अपने कामों को लेकर के जाए। देखिए पहले नाले किस प्रकार से खुले बहा करते थे और उसमें बच्चे तक बह जाते थे बरसात, आज सारे नाले ढके हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर उस पर डाल करके रखे गए हैं, उस पर बाउंड्री वॉल भी बनाई गई है तमाम जगहों पर, और गलियों में पूरी इंटरलॉकिंग की गई है, सीसी रोड बनाई गई है। तो इस तरीके से जो काम किए गए हैं जनता के बीच में, घर घर कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा है, इन सारी चीजों से जनता संतुष्ट है। और देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हर एक चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, जब लोकसभा चुनाव होता है उसके अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनाव के अलग होते हैं और नगर निकाय के अलग होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हर एक चुनाव में प्रभावित करती है कि आपकी पार्टी जो है ईमानदारी से काम करती है या भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचारियों को हर जगह पे छोटे से लेके बड़े पद तक कोई भी व्यक्ति नहीं चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक के डायरेक्टर हैं तो भ्रष्टाचारी तो नहीं चलेगा और बैंक के मैनेजर है तो भ्रष्टाचारी चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर भ्रष्टाचारी है तो कहीं पर भी नहीं चलेगा, इसलिए जनता ने लगातार इन लोगों को नकारा है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया अभी कि शफीकुर रहमान बर्क जी जो समर्थन कर रहे हैं अपने निर्दलीय प्रत्याशी का, समाजवादी पार्टी का दूसरा प्रत्याशी है और समाजवादी पार्टी के साथी अभी कह रहे थे रविंद्र जी कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बात फर्क की नहीं है। अगर ये प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होता, अपने आप बगावत करके लड़ता, अलग बात थी, लेकिन वर्तमान आपके सांसद जिस तरीके से उसके समर्थन में उतर आए हैं और पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी को बाइकॉट कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है पार्टी के नेतृत्व पर, ये क्वेश्चन मार्क है। शफीकुर रहमान बर्क जी ने बिल्कुल उसकी सिफारिश की होगी जिसका वो समर्थन कर रहे हैं और उसका नाम भी भेजा होगा टिकट के लिए, तो पार्टी ने किस तरीके से टिकट डिसाइड किए, पार्टी के सांसद मैदान में उतर आकर के उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप ही के जवाब पे सैयद मोहम्मद तकी जी कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए। देखिए आम आदमी पार्टी ने जो टिकट दिए हैं, सभी वर्ग के लोगों को टिकट दिए, सबका रिजर्वेशन दिया है, सबने का प्रतिनिधित्व किया है और हमारे जो वोट दिए उसमें सभी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं, अब कुर्मी समाज जो है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे रहा है, कायस्थ समाज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहा है और बीजेपी ने जिसके जो अपना इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था खत्री समाज, खत्री समाज के एक व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दे दिया है सभासदी का पूरे लखनऊ में, तो जो बहुत ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट करता था, तो हमने खत्री समाज के लोगों को वोट दिया, खत्री समाज की महिला को वोट दिया है, काली जी वार्ड से हमने खत्री समाज की महिला को वो जो है वोट दिया है जो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और वो चुनाव जीतेगी और बीजेपी बहुत सारी परंपरागत सीटें अपनी जो है वो हारने वाली है। तो जाहिर सी तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करती है, पूरे समाज। ठीक है रविंद्र जी, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि सपा के ही संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। जी केसी जैन जी वापस आऊंगी, या आप ही के संस्थापक का, केसी जैन जी मैं वापस आऊंगी आपसे जवाब लेने, लेकिन पहले मेरा सवाल है सपा से कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बयान था। तो अगर ऐसे में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अंत तक भी अगर समर्थन करते हैं निर्दलीय का, तब तो फिर पार्टी को उन्हें समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के जो संस्थापक है उन्हीं की ये लाइन है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। पहले एक करेक्शन आपका करा देता हूं जी, कि स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमारे पार्टी के संस्थापक नहीं थे, संस्थापक माने जाते हैं, मार्गदर्शक थे जी, संस्थापक हमारे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी। दूसरा विषय है कि बगावत एक कॉमन टेंडेंसी है
और बगावत की इतनी बड़ी लिस्ट मैंने बता दी, जिसमें से सुरेश अवस्थी जी महापौर उप महापौर रह चुके हैं, लेकिन उस पर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। आप कंसंट्रेटेड हैं सफीकुर रहमान बर्क जी पे, तो आपको आश्वस्त करता हूँ कि अंत में सफीकुर रहमान जी बर्क जी हमारे साथ ही रहेंगे। सर मैं इसलिए ये आपसे सवाल बार बार कर रही हूँ क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और आज हमारा जो मुद्दा है चर्चा का वो यही मुद्दा है कि क्या कहीं अंदर ही अंदर शफीकुर रहमान बर्क खफा है। एक छोटा सा कमेंट दीजिए इस पे। मुद्दा आपने शफीकुर रहमान बर्क जी को बना लिया है, असली मुद्दा तो भाजपा के जो पूरे निकाय चुनाव का है। ठीक है रविंद्र जी, एक छोटा सा कमेंट इस पे करिए, एक छोटा सा कमेंट इस पे करिए। किस पे? जो मैंने आपसे सवाल किया है आप उस पे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए बस। शफीकुर रहमान बर्क जी अंत में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के साथ ही खड़े होंगे और हम वो सीट जीत के भी ले आएंगे। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किस सीट पर जीत दर्ज करता है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से निकाय चुनाव में सपा और भाजपा के बीच एक सीधी टक्कर संबल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक तरफ संबल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है, तो सपा ने भी अपनी तरफ से एक उम्मीदवार घोषित किया है रुखसाना इकबाल। तो अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जब वोट डाले जाएंगे और जब नतीजे आएंगे तो वो नतीजे किसके पक्ष में होते हैं, क्योंकि संबल एक ऐसी जगह है जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है और साथ ही साथ ये डॉक्टर शफीकुर रहमान का गढ़ भी माना जाता है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं सपा से जो गुस्से में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बगावती तेवर अब कहीं सपा के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दे, ये फिलहाल वक्त बताएगा। और खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।